مسألة وسطو ماسي بقى بتشوف عن ايه بقى بتاع في السيرفر مود بوس شو هتذكر طبعا هم عليه مع سبيل ايه بتشاهد يا فريس عزم بقى تقرر على اي كوميرس ويبسائل كي بارل में اي كوميرس ويبسائل आपको पता है इंडिया में दो ही है जो कि काफी सारी बड़ी है एक तो Amazon होगी या फिर Flipkart होगी बाकी की और भी है जैसे कि Myntra है या फिर Shopify है Snapdeal है बहुत सारी है तो इनको लेकर के ई कॉमर्स को लेकर कुछ नए पॉलिसीज आई हैं कुछ नए चेंजेस आए हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। होता क्या है कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट होती है कभी ग्रेट इंडियन सेल लेकर के आ जाती है कभी बिग इंडियन सेल लेकर के आ जाती है तो इंडिया में इतने फेस्टिवल नहीं होते हैं उतनी तो इनकी सेलें आ जाती है। अब इससे कस्टमर को तो फायदा है लेकिन जो मार्केट में जो लोग बैठे हैं जिनकी मार्केट में शॉप है उन लोगों को कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है नुकसान हो रहा है क्योंकि कस्टमर क्या करता है उनके पास जाता नहीं है और वो सीधे सीधे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है क्योंकि उनको डिस्काउंट भी मिल जाता है। अब डिस्काउंट मिलता कैसे मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उन पर डिस्काउंट कैसे मिलता है। बाहर की जो कंपनीज होती हैं वो बल्क में सामान बनाती हैं तो वो क्या करती है 40% स्टॉक अपना इन ई कॉमर्स वेबसाइट को दे देती है 40% जो भी आपको पता है बहुत बड़ा स्टॉक होता है बाकी का जो 60% बचता है वो अलग अलग मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवा देती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बेचती है ठीक है चाहे वो रिटेलर के थ्रू चाहे वो कैसे भी लेकिन 40% वो यहाँ पे लेती है। तो यहाँ पे कभी आपने देखा होगा Amazon पे एक्सक्लूसिव करके आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि 40% अब इनको मिल गया तो ये क्या करते हैं इस पे निकाल देते हैं ऑफर क्योंकि आप इनको मार्केट से कम्पीट करना है क्योंकि यही ब्रांड है सेम और मार्केट में भी है तो दोनों में कम्पीट करना है तो ये क्या करते हैं उस पर निकाल देते हैं ऑफर क्योंकि इनके पास 40% स्टॉक में है तो ऑफर निकाल देते हैं तो लोग क्या करते हैं मार्केट से रिटेल मार्केट में जाकर के रिटेलर से ना लेकर के सीधा ऑनलाइन लेते थे क्योंकि उनको वही चीज़ लेनी है और ऑनलाइन उनको सस्ती मिल रही है तो वो मार्केट में जाकर के पैसा क्यों लगाते तो यहाँ पर वो सीधा सीधा खरीद लेते हैं। लेकिन अब क्या किया तो कहीं ना कहीं जो मार्केट वाले थे उनको लॉस हो रहा था तो उन्होंने कोर्ट में केस किया था कि इस तरीके से हम लोग नहीं कमा पा रहे हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं तो कोर्ट ने फैसला लिया था कोर्ट ने फैसला लिया कि अब जो इनका जो 40% जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो अब इनको मात्र 25% में रहेगा मतलब बाहर की जो कंपनी हो सकती है वो 25% ही अपना स्टॉक किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को दे सकती है बाकी का 75% जो बचा है वो उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ठीक है। अब यहाँ पे 25% तो कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू 40 के हिसाब से तो अब यहाँ पे हो सकता है आपको आने वाले टाइम पे इस तरीके की सेल ना देखने को मिले क्योंकि अब 25% रहेगा तो इस तरीके से सेल नहीं निकाल पाएंगे वैसे क्या करता था किसी ब्रांड 40% दे दिया कभी 50% दे दिया कभी 30% दे दिया तो आपको बता दो आगे से आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलने वाला है। ये कब से लागू होने वाला है आपको ये भी बता देता हूँ ये जो है आपको 1 फरवरी 2019 से लागू हो जाएगा मार्केट में उसके बाद इस तरीके से आपको सेल नहीं देखने को मिलने वाली ऑफर आएंगे लेकिन इस तरीके से नहीं आएंगे कि 40% किसी पे कभी कभी तो आपने देखा होगा कि 60% 70% तक भी ऑफर मिल जाते हैं तो हो सकता है आपको आगे से ये ऑफर देखने को ना मिलेंगे लेकिन इस तरीके से देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो यही है वो नियम जो अभी लागू किया गया लेकिन आपके लिए कुछ खबरी है कि जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर जो हर बार की तरह एक ऑफर रहता है वो इस बार भी रहेगा तो मैं आपको सही समझूँ कि जो भी आप खरीदना चाहते हैं जो भी कुछ भी आपको मंगाना है तो 26 जनवरी की जो एक सेल होने वाली है उसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा लीजिए क्योंकि हो सकता है आपको आगे इस तरीके से इतने डिस्काउंट वाली सेल देखने को ना मिले। बाकी का आप मुझे बताएं कि आपको कमेंट आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इससे फायदा होगा या लॉस होगा जो भी आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथ में प्रेस वाली घंटी को जरूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू।